मुझे देखकर आप लोग चौंक गए हो। ये खड़ूस आदमी आज यहां कैसे? मगर क्या करें, बात जब हद से ज्यादा बाहर निकल जाए तो क्या क्या नहीं करना पड़ता है। मैंने सोचा था कि सीआईडी में जब कभी भी पहली बार कोई केस आपके साथ डिस्कस करूंगा तो हंसते हुए न सही, एक मुस्कुराहट जरूर चेहरे पर लेकर के आऊं, मगर मेरे वो सपने चूर चूर हो गए। मेरे चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हो गई है हमेशा के लिए। मैं यहां दिन रात फॉरेंसिक लैब में बैठकर लाशों से बातें करता रहूं, कैसे मरा, कितने बजे मरा, कौन से जहर से मरा, लड़के ने मारा या लड़की ने मारा, ये सब बताता रहूं, मगर किसको? एसीपी को? कौन से एसीपी? एसीपी प्रद्युमन को? लेकिन जब एसीपी प्रद्युमन प्रद्युमन हो तो बताओ, प्रद्युमन प्रद्युमन ही नहीं है तो क्या बात करूं उससे? मुझे पूरा यकीन है प्रद्युमन की जगह कोई और आकर बैठ गया है। मैंने सोचा ये बात जाकर के अभिजीत को बताऊं, लेकिन वहां अब क्या बोलूं आपसे? बाद में पता चला कि एकदम सत्यानाश हो चुका है, अभिजीत भी बदला बदला सा लग रहा है। मैं दया की तरफ भागा, लेकिन वहां तो मामला एकदम उल्टा था। दया तो एक लड़की के साथ बार में बैठकर पी रहा था। दया और पीना? और इतना ही नहीं, वो लड़की भी उसी वक्त से गायब, जिंदा है या नहीं पता ही नहीं। हां एक बात पक्की है, एक लाश मिली है, वो भी एक लड़की की, मगर ये तीनों कहां गायब हो गए? क्या पता, अब कौन बताएगा कि किसने मारा कैसे मारा? इसीलिए मैं आप लोगों के पास आया हूं, आप ही लोग कीजिए फैसला और देखिए क्या क्या गुल खिला रहे हैं ये तीनों। वाह डॉक्टर, तूने तो कमाल कर दिया डॉक्टर, वही शक्ल। आपकी भाई तो बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है। आ,
रॉकी तो आसानी से सीआईडी में घुस सकता है। सीआईडी वालों को पता भी नहीं चलेगा कौन असली है कौन नकली। और इसी के साथ सीआईडी का काम बस उस एक को ही तो मारना है, उसके बाद तो सीआईडी खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगी। अब तो आप लोगों का काम हो गया ना, तो क्या मैं जा सकता हूँ? अरे ऐसे भी क्या जल्दी है जाने की डॉक्टर साहब, कम से कम अपनी फीस तो लेते जाइए। फीस? मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, आप मुझे जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए, फीस तो लेने ही पड़ेंगे। भाई जाओ उनको इनकी फीस तो दे दो। नहीं नहीं मुझे कोई फीस नहीं चाहिए। चल डॉक्टर चल चल। मुझे पता है। या, 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 आ, ठीक है। आज आप यहाँ कैसे? आप क्यों? नहीं आप तो दो दिन बाद आने वाले थे ना? हाँ वो मेरा काम खत्म हो गया इसलिए मैं चला। हेलो डैमिट, मैंने तुझे कहा था ना मुझे फोन मत करना करके, फिर क्या बता? हाँ मुझे पता है खतरा है लेकिन मैं सब संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लेना बिल्कुल, समझे? मैं हूं हेल्पर, मैं कह रहा हूं। सर क्या क्या फ्रेडिक्स? एक मिनट, हेलो मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। क्या? आई एम सॉरी सर, बात है ना कि मुझे आपके साइन चाहिए थे इस फाइल पे, ये लीजिए। डैम इट, एक मिनट सर, ये लीजिए। सर आज आप इतनी जल्दी जा रहे सर? तुम्हें प्रॉब्लम है? नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। तो फिर सर आपकी तबीयत कुछ खराब है क्या सर? सर क्या करें? सर एसीपी साहब क्या देखा आपने? एसीपी साहब कुछ बदले बदले से लग रहे थे। बदले 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 मतलब? पता नहीं सर, उनका मूड काफी खराब था सर, कुछ हो गया है क्या? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो यार, हा? इतनी फिक्र है तो जाके पूछ लो उनसे। अरे क्या है, मेरा दिमाग मत खाओ समझे, बदले बदले क्या होता है, एसीपी साहब है। सर रेडी, जो कुछ भी पूछना जल्दी पूछो, मेरे पास टाइम नहीं है। जब टाइम नहीं है तो बात करना ही खराब है, जिसे देखो सब मुंह सूजा के बैठे हुए। रेडी इस तरह से ब्यूरो में बड़बड़ करना मना है, समझे? समझा, सिर्फ रोना अलग है। विवेक सर तू तो सही सही जवाब दे रहा है मेरे सवाल का। कौन सी चीज का सर? यार इन सबको हो क्या गया? ये एसीपी साहब, अभिजीत सर, दया सर, ये कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। अरे नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है सर, कोई काम का टेंशन होगा सर इसलिए। विवेक स्टैंड अप, स्टैंड अप। इतने साल हो गए हैं मुझे सीआईडी में काम करते हुए, समझे? यहां पे जरूर कुछ हुआ है। एजेडियन सीआईडी आपका रेस्टोरेंट है? जी सर।
कैसे हुआ खून? पता नहीं साहब, वो आदमी अंदर बैठा हुआ था, बाहर से कोई अंदर आके उसे गोली मारकर चला गया। लाश कहाँ है? अंदर है साहब, आइए। ये रही साहब लाश। क्या कर रहे हो अभिजीत? ग्लास तो पहन लो। बाहर से किसी ने इस आदमी पे गोली चला दी, आपने उस आदमी को देखा? नहीं साहब, दो आदमी थे बाइक पर, जो पीछे बैठा था उसने गोली चलाई। तो वो दिखते कैसे थे, ये तो देखा ही होगा आपने? नहीं साहब, एक तो सेकंड में सब कुछ हो गया, समझ में नहीं आया कुछ। अच्छा, इस आदमी को तो पहचानते हो ना, जिसका खून हुआ है? जी हाँ, ये तो अक्सर ही आया करते साहब, और हमेशा इसी टेबल पर बैठा करते थे। मतलब अभिजीत, मारने वाला ये जरूर जानता होगा कि ये आदमी यहाँ इस टेबल पे बैठा है, तभी तो उसने इसकी शक्ल देखे बिना इसके पेट पे गोली चला दी। एक बात बताइए, ये आदमी यहाँ पे अकेले आता था या इसके साथ कोई और भी आता था? साहब, जब जब भी यहाँ आते थे ना, तो इनके 15-20 मिनट बाद एक आदमी इनसे मिलने आया करता था। तो आज नहीं आया क्या वो? नहीं साहब, अभी तक तो नहीं आया, शायद अभी आता होगा। साहब वो देखिए, वो आ रहा है, इधर ही आ रहा है साहब। छुप जाते हैं। रुक जाओ, हाथ मत लगाना। दया सर, आप ये? सर आप यहां? ये हरीश है, मेरा खबरी। इसे अच्छी तरह से चेक किया तुम लोगों ने? नहीं सर, अभी तक तो हम लोग बात ही कर रहे थे। विवेक चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो। देखो कुछ लाया था उसने मेरे लिए। सर, हाँ, यहाँ पे कुछ है सर। ये देखिए सर, सीडी। देखो ये सीडी हमने चलाने की कोशिश की, मगर ठीक से सुनाई नहीं दे रही, जरा देख लो। सब सुनाई देगा सर, एक्सक्यूज मी। मैं चेक करता हूं। सर सीडी काफी खराब हो गई है। मतलब पूरी तरह से गई काम से, इसमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा? सर मैं स्प्रे करके देखता हूँ, शायद कुछ सुनाई दे जाए। जो कोई भी है, इन्हें पता चल गया होगा कि सीआईडी की खबरी को इनका प्लान पता चल गया है, इसलिए मार दिया उसको। सर हमें इस खबरी के घर जाना चाहिए सर, शायद उसने हमारे लिए कोई और इंफॉर्मेशन छोड़ी हो।
लगता है हम लोगों के आने से पहले ही कोई यहाँ घर में घुस गया है। लगता है सर खबरी ने जो भी सामान रखा था हमारे लिए वो भी लेके गया होगा कोई। नहीं फ्रेडरिक्स, ये हरीश इतना सीधा साधा आदमी नहीं था। वो किसी भी चीज को ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जगह पे छुपा के रखता था जो आसानी से ना मिले। इसलिए उसके घर को अच्छी तरह से छान मारो, एक एक कोना छान मारो, कहीं तो वो चीज मिलेगी। अंगूठी? हाँ सर, ये अंगूठी का डिजाइन मैं कैसे भूल सकता हूँ? सर ये अंगूठी डॉक्टर प्रकाश का है सर, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर प्रकाश, याद है ना अभिजीत? डॉक्टर प्रकाश कौन? हाँ यार, हम दोनों ने तो पकड़ा था 6 महीने पहले, तुम याद नहीं है? अच्छा, अब कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे यार वही डॉक्टर प्रकाश जो बाद में छूट गया था। अच्छा अच्छा, लेकिन सर ये जो सीडी में 15 अगस्त सीआईडी खत्म, उसका इस अंगूठी से क्या कनेक्शन हो सकता है? हाँ अभिजीत, ये डॉक्टर प्रकाश की अंगूठी की वजह से हरीश का खून हुआ है, इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है, कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। ये अंगूठी याद नहीं? मामूली सी अंगूठी है यार, अब नहीं याद है तो नहीं याद है, क्या करें? मामूली अंगूठी? ये अंगूठी मामूली नहीं है, इसका डिजाइन इतना आम नहीं है कि कोई आदमी से आसानी से भूल जाए। दुनिया में कितनी अंगूठियां हैं जिनका डिजाइन एकदम अलग है, तो जरूरी है मुझे मालूम होगा हर उस अंगूठी के बारे में? मुझे नहीं याद है, तुम्हें तो याद है ना? चलो पता चल गया, ये अंगूठी डॉक्टर प्रकाश, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर प्रकाश की है, बस खुश। अभिजीत, दया, किस बात पर इतनी बहस हो रही है? नहीं सर कुछ नहीं, ऐसे ही सब। हाँ हम लोग डॉक्टर प्रकाश के बारे में पता लगा कर आ रहे हैं। सर वो 3 महीने से जिनीवा में है, कोई मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, उसी में गया। जिनीवा में? ऐसी कौन सी कॉन्फ्रेंस होती है जो 3-3 महीने चलती है? सर डॉक्टर प्रकाश अगर जिनीवा में है तो उनकी अंगूठी हमें यहाँ कैसे मिली, हरीश के घर में से? हो सकता है कि प्रकाश जी जिनीवा जाने से पहले हरीश के घर में गए, या फिर ये अंगूठी प्रकाश की खोई। नहीं सर, बात उतनी सीधी नहीं है सर। क्या मतलब? डॉक्टर प्रकाश के क्लिनिक वाले तो कह रहे हैं कि वो जिनीवा में है सर, लेकिन जब हमने जिनीवा में फोन लगा के बात की तब हमें पता चला कि जिनीवा में ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस हो ही नहीं रही है सर। यानी कि क्लिनिक वाले झूठ बोल रहे हैं? सर या तो क्लिनिक वाले झूठ बोल रहे हैं या फिर डॉक्टर प्रकाश झूठ बोल कर गए। ये अजीब बात है, खबरी हरीश के मरने के बाद उसके घर में एक अंगूठी मिलती है जो डॉक्टर प्रकाश की है। फिर पता चलता है ये तो डॉक्टर प्रकाश है, ये जिनीवा गए हैं और जिनीवा वाले बोलते हैं कि वहां कोई कॉन्फ्रेंस है ही नहीं। सर और तो और डॉक्टर प्रकाश के घर पे ताला लगा हुआ है। क्या कोई भी नहीं मिला उनके घर पे, उनकी वाइफ भी नहीं? नहीं सर, पड़ोसियों का कहना है कि वाइफ भी शहर से बाहर गई हुई है। सर लगता है ये दोनों के दोनों शहर छोड़ के भाग गए हैं। ढूंढो इन दोनों को। अभिजीत तुम्हें नहीं लगता ये एसीपी ठीक नहीं कर रहे हम लोगों के साथ? क्या मतलब? अब देखो ना, खुद तो बैठे आराम से ब्यूरो में, हा?
और हम लोगों को भेज दिया गधा मजूरी करने के लिए क्या? दया, तुम एसीपी साहब के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? यार तू भी ना, मैं तो मजाक कर रहा था यार, तू जोक नहीं समझता? अरे मैं भी तो मजाक कर रहा हूँ यार। अरे गाड़ी कहाँ है? कैसी लगी? ब्लैक कार। ये कार? चलो चलो। क्या हुआ? लगता है मैं अपना मोबाइल फोन जोड़ में भूल गया। एक काम करो, तुम कार में बैठो, मैं मोबाइल लेके आता हूँ। और जल्दी, कहीं ऐसा ना हो एसीपी साहब तुम्हारे प्राइवेट एसएमएस पढ़ ले। हाँ बोलो, क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है, नहीं नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। या थैंक यू। अभिजीत, तुम ठीक तो हो? कोई मुझे मारना चाहता था। क्या? संभाल के यहाँ बैठ जाओ। थैंक्स सर, थैंक यू वेरी मच, आज काफी तकलीफ दे दी तुमको। नहीं नहीं यार, इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम तो मेरे भाई जैसे। अरे यार, छोटी सी चोट है, कट है, ठीक हो जाएगा। अभी मैं सो जाता हूँ, कल मिलते हैं। गुड नाइट। दवाई लिए बिना सो जाओगे? हाँ, डॉक्टर ने क्या कहा था? दवाई खाकर सो। नहीं मैं खा लूंगा ना। नहीं खा लूंगा यार, मेरे सामने खाओगे? नहीं तो नहीं जाऊंगा मैं। अरे मैं खा लूंगा ना दया। नहीं, मैं पानी लेकर आता हूँ। अरे रुको, पूरा पी लो ना। अब शायद रात को फिर से प्यास लग जाए। पी लो। ओके थैंक्स सर, गुड नाइट। कम हियर। हे, क्या हुआ अभिजीत? सर घूम रहा है, इस चक्कर क्यों आ रहा है यार? चक्कर आ रहा है? शायद दवाई का असर है। तुम सो जाओ। दवाई का सर? सो जा तुम। इतनी जल्दी सो जा तुम।
डॉक्टर। डॉक्टर साहब आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। चाबी है मेरे पास। रात को डुप्लीकेट चाबी से ताला खोलकर चोरों की तरह घुसने की जरूरत नहीं मुझे दया। वो अब हमें यहाँ आना मना नहीं है। रात को 12 बजे वो काम करते वक्त पता नहीं चला इतनी रात हो गई है। बाय। ये सब क्यों कर रहा है? हेलो। हाँ हाँ मैं अब घर पहुंचा। हाँ किसी को भी शक नहीं हुआ है, समझे? किसी को भी शक नहीं। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, ठीक है? ओके। घर का दरवाजा खुला है। सर नहीं, सर मैं। दया? सर मैं। यहां पर कैसे? मेरे घर में घुसे कैसे तुम? क्या क्या, क्या करता सर? बातें कुछ ऐसी थी। फोन कर सकते थे दया? सर फोन पे बात समझाना जरा मुश्किल था सर। अच्छा प्रॉब्लम है? हाँ सर। सर ये जो अभिजीत है, सर ये जो अभिजीत है ये अभिजीत जैसा नहीं है सर। अभिजीत? अभिजीत जैसा नहीं है क्या मतलब सर? अब मैं सर आपको कैसे समझाऊं सर? सर मैं अभिजीत के साथ बहुत सालों से काम कर रहा हूं, मगर पिछले कुछ दिनों में वो जो कुछ भी कर रहा है वो अभिजीत जैसा नहीं है सर। अभिजीत जैसा नहीं है तो फिर कैसा है? पता नहीं सर, कुछ गड़बड़ है सर। लगता है जैसे अभिजीत के फेस में कोई और है सर। हाँ सर कोई और है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है दया, अनाप शनाप पके जा रहे हो तुम। मैं ठीक कह रहा हूँ सर, मैं ठीक कह रहा हूँ। उस दिन जब हम वहाँ गए थे रेस्टोरेंट में, जहाँ पर वो उस हरीश का खून हुआ था, वहाँ पे सर वो एक जो आदमी इतने साल से काम कर रहा है वो ग्लव्स पहनना कैसा भूल सकता सर? हाँ और सर ये देखिए,
ये देखिए मुझे उसके घर से क्या मिला है। ये लेडी सैंडल, बताइए लेडी सैंडल अभिजीत के घर पे क्या कर रहा था? दया, लगता है तुम्हें छुट्टियों की जरूरत है। जाओ जरा मसूरी शिमला होकर आओ, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। मुझे लगा ही था सर, मुझे लगा ही था कि आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। तुम्हारी बात है यकीन करने लायक? चलिए सर, वो डॉक्टर प्रकाश की अंगूठी की बात ले लीजिए। अगर ये अभिजीत वाकई में अभिजीत है तो वो अंगूठी कैसे भूल सकता सर? वो उसे याद नहीं था। दया, तुम्हें अच्छी तरह से याद है, जब से अभिजीत ने सीआईडी ज्वाइन किया है तब से उसे कभी कभी मेमोरी लॉस का दौरा पड़ता है, भूलने का दौरा पड़ता है। ठीक है सर, आप मानना नहीं चाहते मत मानिए, मगर मैं ये जानकर ही रहूंगा कि अभिजीत के साथ हो क्या रहा है। दया, ये जो तुम मुझे अभिजीत के बारे में इतना सब बता रहे हो, इसके पीछे कोई और कारण तो नहीं? सर, आप ये क्या कह रहे सर? आप रात काफी हो गई सर, अब मुझे चलना चाहिए। गुड नाइट सर। दया, और आइंदा मेरे घर पर आने से पहले मुझे फोन करना। गुड नाइट। सॉरी सर। नहीं यार, काम नहीं हुआ, ये एसीपी मानने को तैयार ही नहीं है। देखते हैं कब तक नहीं मानता है। ठीक है, तो फील्डिंग लगा, मैं अपने पत्ते बिछाता हूं। जरा उधर तो देख, सीट पूरी तरह से लट्टू हो गया है। ए, पिक्चर देखने चलती क्या 9 से 12? टाइम देख रहा है क्या? 1 बज रहा है रात के। 1 बज गया तो चल अपन तेरे घर पे चलते हैं। तेरे को उसको पूछना पड़ेगा। ठीक है, अभी आता हूँ। साहब, मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है। ए, वो लड़की है ना ब्लू में, संगीता, मुझे उसको बाहर लेके जाने का। नहीं सर, दया सर का फोन अभी भी बंद ही है। कमाल है, दोपहर के 3:30 बज गए लेकिन दया का कुछ भी पता नहीं। पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ था। शायद दया सर कल रात को पार्टी शार्टी करने गए होंगे, आज सुबह उठ ही नहीं पाए होंगे बिस्तर से। उठ ही नहीं पाए होंगे मतलब? हाँ, तुम्हें मालूम है ना कि दया शराब नहीं पीता है, है? ना वो शराब पीता है ना वो पार्टी वार्टी में जाता है, समझे? पार्टी में बेशक ना जाता हूं, लेकिन रात को चोरी चोरी फॉरेंसिक लैब में जरूर आता है। लैब में? वैसे अब कैसे हो तुम? आपकी दुआ से बॉम्ब जरा जल्दी फट गया डॉक्टर साहब, वरना एक कदम भी आगे जाता ना तो यहाँ खड़ा होके आपसे दो दो हाथ नहीं कर रहा होता। कोई बात नहीं दोस्त, मेरे अलावा डॉक्टर तारिका की भी दुआएं हैं तुम्हारे साथ। तारिका? हाँ, तारिका। हाँ, अच्छा तारिका, वो तो है डॉक्टर साहब, वो तो है। सुन के तुम क्या कह रहे थे अभी दया के बारे में? बॉस, दया रात को 12 बजे फॉरेंसिक लैब में क्या कर रहा था? मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब मैंने देखा को क्या कर रहा था। लेकिन कर क्या रहा था? बॉस, उसने कंप्यूटर खोल के रखा हुआ था और हमारे बारे में जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी सब के सब चुरा के भाग गया वहां से। क्या? क्यों? क्यों कर रहा है दया ऐसा? सर, 1 मिनट। क्या है? सर, जब बात इतनी बढ़ गई है
तो मेरा चुप रहना ठीक नहीं होगा। बात क्या है? बग? यस सर, टेलीफोन टैप करने का बग। जब दया मुझे घर छोड़ने गया तो ये बग उसने मेरे टेलीफोन में लगा दिया। मतलब मैं जो भी बात करता वो सब सुनना चाहता है वो। ये हो क्या गया है दया को? वही तो, ये बग लगा के कि वो मेरे क्या हुआ? ये सबको साफ क्यों सुन गया मेरे आते ही? हैं? वो तुम्हारा फोन बंद आ रहा था ना, तो हम लोग बहुत परेशान थे। कहाँ रह गए हो तुम? वो डॉक्टर प्रकाश के बारे में पता करने गया था। सर वो तो नहीं मिला, पर उसकी वाइफ आरती के बारे में कुछ पता चला है सर। अच्छा, क्या क्या पता चला उसके बारे में? कहाँ है वो? सर पति तो इंडिया से बाहर है, इसलिए वो अपने माँ बाप के साथ रह रही है सर, चीकूवाड़ी में। डॉक्टर प्रकाश घर पर नहीं है। मैंने आपको कहा था ना कि वो पिछले 3 महीने से जिनेवा में है। एक मिनट, आप जरा ये अंगूठी देख, पहचानती हैं इसे आप? हाँ, ये तो प्रकाश की है, मगर ये आपको कहाँ से मिली? हरीश के घर से। हरीश? ये हरीश कौन है? नहीं था, आपके पति ने उसका खून कर दिया। क्या? ये नहीं हो सकता, वो जिनेवा में है। और उन्होंने मुझे फोन भी किया था पिछले हफ्ते जिनेवा से। मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जिनेवा का ही नंबर है। 1907980976543 नंबर तो जिनेवा का ही है। लगा के देखिए। ये नंबर सर्विस में नहीं है। देखिए, ये प्रकाश की अंगूठी हमें हरीश के घर से मिली है जिसका खून हुआ है, तो वो जिनेवा में कैसे हो सकते हैं? देखिए साहब, मैं भी पिछले 3 महीने से उनका इंतजार कर रही हूँ। प्लीज आप लोग उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कीजिए, मुझे लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में फंस गए हैं। ये आपका फोन, अभिजीत। अगर ये डॉक्टर प्रकाश इंडिया में ही है तो हो सकता है वो कोई इंटरनेशनल सिम कार्ड यूज कर रहा हो। ये गैर कानूनी सिम कार्ड, ये तो बाजार में मिलते हैं ना, खांचा कार्ड कहते हैं ना इनको। हाँ, खांचा कार्ड। ये जेनियो वाला सिम कार्ड नंबर डॉक्टर प्रकाश को किसने बेचा ये पता लगाते हैं। ये है वो दुकान। काम करता हूं मैं, देखता हूं इसको। एक सिम कार्ड चाहिए था जिनेवा का, मिलेगा? खांचा कार्ड चाहिए सर। खांचा कार्ड? वही वही जिनेवा का, मिलेगा क्या? मुन्ना की दुकान पे दुनिया के सारे खांचे कार्ड मिले, अमेरिका बोलो दुबई बोलो, तो जिनेवा का चीज़ है साहब। चलो दिखाते। चलो चलो चलो। एक मिनट रुको साहब, लेके आता। असली है ना? नहीं, कोई लोचा वोचा नहीं होना चाहिए। ये सीआईडी के मामू लोग ये पीछे पड़ जाते हैं।
ये सब सीआईडी वीआईडी है ना, अपन अपने पीछे वाले पॉकेट में रखते हैं साहब। सर गलती हो गई सर, पॉकेट में रखेगा सीआईडी को? नहीं सर, माफ कर, माफ कर दो सर, कर दो सर, माफ कर दो सर, सब गलती हो गई सब। आज से खांचा काट का तो धंधा दूर, ग्रीटिंग कार्ड का भी धंधा नहीं करूंगा सर। 10979807 6543, ये जिनेवा का नंबर तूने किसको बेचा है? सब कुछ याद नहीं आ रहा सब, सब कुछ याद नहीं आ रहा। क्या दिलाओ भाई? याद आ गया सर, याद आ गया। यस सर, बोल सर। ये नंबर तो अपन सिर्फ एक ही कस्टमर को बेचा था सर। अरे किसको बेचा था पूछ रहा हूँ, किसको? सर संगीता, संगीता सर। कौन है ये, कहाँ मिलेगी? सर बार में नाचती सर। हम लोग सीआईडी से। यहाँ पे संगीता कौन है? संगीता, एक मिनट। हाँ, अरे दीपा। हाँ, पकड़ना, अभी आई। जी संगीता किधर है, आज काम पे आई नहीं क्या? हाँ सुबह मैंने भी उसे फोन किया था लेकिन उसने उठाया नहीं। सर ये सेठ बिना बड़ा मचमच करता है। क्या है, है? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? सर मैंने इनको पहले कहीं देखा है। मुझे देखा है? नहीं नहीं, जा। कहाँ 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 देखा है? सर याद नहीं आ रहा लेकिन मैंने इन्हें कहीं देखा है सर। अरे कहीं देखा होगा तो याद आएगा ना, है? चल जा, वहम है इसका। एक एक कहाँ कहाँ देखा है, है? याद आ गया सर, मैंने इनको इसी बार में देखा था। क्या दया, तुम इस बार में आते हो? सर मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाता, तो यहाँ इस बार में क्या करने आऊंगा सर? सर फोन 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 आ रहा है, मैं जरा फोन फोन करके आता हूँ। एक मिनट। हेलो सुनो, ये संगीता का एड्रेस है तुम्हारे पास? अब आगे से राइट लेना, यहां से राइट लो। तब आगे चलकर एक पानी का टैंक आएगा, वहां से चल, वहां से लेफ्ट और फिर सीधे सर। अरे दया तुम्हें तो पहले से ही मालूम है, कैसे? बस ऐसे ही सर, पता नहीं सर कैसे ऐसे निकल गया। नहीं 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 दया, ऐसे कैसे पता नहीं, इसका मतलब है कि तुम संगीता के यहां जा चुके हो। क्या बात कर रहे हो अभिजीत, मैंने तो बस ऐसे ही तुक्का मारा था, लग गया तो। मैंने भी तो तुक्का मारा है। जरा पीछे देखो, कोई दरवाजा है क्या? क्या कर दिया? संगीता तो दरवाजा खोल नहीं रही है। हाँ हाँ सर, शायद शायद सो रही होगी। हाँ दे? ये सर क्या हो गया तुम? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। पीछे के भी सारे दरवाजे बंद हैं। पीछे के भी सारे दरवाजे बंद हैं। अच्छा तो तोड़ दो। क्या सर? अरे दरवाजा और क्या, और क्या तोड़ते हो तुम? दरवाजा? अच्छा सर, क्या हो गया तुम्हें यार? पहले तो मेरे मुंह से दरवाजे का दन ही निकला तो तुम दरवाजा तोड़ देते, आज ये हिचकिचाहट क्यों? हिचकिचाहट नहीं सर, बस ऐसे ही अभी तोड़ देता हूँ मैं दरवाजा से। ये किस खेत की बुरी है? ये लो। संगीता,
संगीता ये देखो अभिजीत, देखा इसके होंठ नीले हैं, इसके नाखून भी नीले पड़ गए हैं, इसका मतलब है इसके पेट में जहर है। किसी को पता चल गया था सर कि हम लोग संगीता तक पहुंचने वाले हैं। इसके पहले कि हम लोग पहुंचे, काम तमाम कर दिया इसका। सर ग्लास में वाइन है, लगता है संगीता ने वाइन पी थी। अभिजीत कहीं ये जहर इस वाइन में तो नहीं? लिपस्टिक का दाग है। ये देखना है ग्लास पे जो दाग है ये इस लड़की के लिपस्टिक का है कि नहीं। इसी के सर ग्लास पे लिपस्टिक का निशान संगीता का ही है। या तो ये वाइन इसने खुद पी है या फिर किसी ने पिला दी है। देखा देखा कलर देखा, एकदम रेड वाइन जैसा। क्या नाम रखेगा इसका? सोविनियो सालों के? सोविनो कहो या मॉलो, लेकिन बॉस जिस जहर से इस लड़की को मारा गया है वो इस शराब में मिलाकर पिलाई गई। सर संगीता का खून उसके किसी दोस्त ने किया होगा जिसके साथ वो बैठी होगी शराब पीने के लिए। हाँ, किसी दोस्त ने किया होगा सर, क्योंकि घर में हाथापाई के कोई निशान नहीं मिले, तोड़ फोड़ के निशान नहीं है, तो कोई ऐसा आदमी है जो आसानी से घर के अंदर गया और मार के चला गया। अच्छी तरह से जानती थी इस आदमी को ये संगीता है ना दे? और ये जहर इसे कल रात दिया गया लगभग 2:30 बजे। सर ये पार्सल छोड़कर गया कोई सब लैब के बाहर। कॉन्फिडेंशियल लैब के बाहर पार्सल, देखो तो सर लगता है आपकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ा है। अभिजीत मेरी गर्लफ्रेंड लैब में चुपके से नहीं आती है, और आती है तो भागती नहीं है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, मैंने क्या किया? और इस फोटोग्राफ पर आप टाइम देख रहे हैं, रात के 1:30 बजे, और संगीता की मौत इसी टाइम के आसपास हुई है। बस क्यों दया,
इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? कल रात क्यों गए थे तुम उस बार में और फिर उसके बाद संगीता के घर पे क्यों गए थे तुम? सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं शक नहीं कर रहा हूं, फोटो दिखाकर पूछ रहा हूं मैं। सर इसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बता सकता सर। कहने के लिए कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास दया? यस, कल रात को तुम चोरी छिपे 12 बजे रात मेरी लैब में घुसे, कंप्यूटर पे से कुछ इंफॉर्मेशन चुराई और भाग, और उसके बाद तुम जाकर इस लड़की से मिले जिसकी लाश यहां पड़ी हुई है मेरी लैब में, राइट? क्यों, जवाब है तुम्हारे पास? सर कहां जा रहे हो? सर रुक जाइए सर, प्लीज सर। अभिजीत दया को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार? हाँ। तो सर अब ऐसा मत कीजिए, मुझे मुझे भरोसा है दया पे, वो जो कुछ भी कर रहा है सर उसके पीछे कोई राज होगा सर, आई मीन कोई कोई ना कोई वजह होगी सर। एसीपी प्रद्युमन लाश कहां पर? फोन किसने किया था? साहब मैंने फोन किया था। अच्छा लाश तुमने देखी? मैं इधर से जा रही थी ना सफाई करते करते, हाँ। तो अंदर से बहुत गंदा बास आया, जाके देखा तो एक आदमी का लाश। दिखाओ लाश कहाँ है? हो उधर। गोली मारी है सिर पे। अभिजीत ये डॉक्टर प्रकाश लगता है, वही जिसकी अंगूठी हरीश के घर पे मिली थी। विवेक ताशा यहां के सारे फिंगरप्रिंट्स उठाओ अच्छी तरह से। यहां पर किसी का ऑपरेशन किया गया है सर, मगर मगर ऐसी जगह पे किसी का ऑपरेशन? सर ये डॉक्टर प्रकाश, हाँ ये तो प्लास्टिक सर्जन था ना सर? हाँ तो इसका मतलब है सर यहाँ पे चोरी छिपे किसी की प्लास्टिक सर्जरी की गई है। यस सर। yes,
चेहरा बनाया है। पर जितने सारे फोटो के टुकड़े सब इकट्ठा करो। विवेक पाशा जल्दी। My God. और सर ये लाइनें चेहरे पे तभी खींची जाती है सर जब किसी की प्लास्टिक सर्जरी करनी होती है। हाँ अभिजीत, हाँ किसी के चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करके दया का चेहरा लगाया गया है और वो अब घुस गया है CID में। इसका मतलब सर जिसे हम लोग अभी तक दया समझ रहे थे वो दया नहीं है, वो दया की जगह कोई और है। दया सर नहीं कोई और है। फ्रेडिक्स यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है मगर ये सच है। धोखा हुआ है हमारे साथ, धोखा। सर अभी सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें पता लगाना चाहिए कि असली दया कहाँ है। वो CID याद है सर, 15 अगस्त CID खत्म, कल 15 अगस्त है। दया की जान को खतरा है सर। हाँ, मुझे याद है 15 अगस्त के फंक्शन में मुझे आना है, लेकिन देखिए मैं एक इंपॉर्टेंट केस में उलझा हुआ हूँ। हाँ प्लीज आई कॉल यू बैक। या क्या हुआ सर? 15 अगस्त के फंक्शन में बुला रहे हैं। नहीं सर, मुझे नहीं लगता सर आपको जाना चाहिए। 15 अगस्त यानी आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। आज तक तो कोई गोली लगी नहीं है ACP प्रद्युमन को अभिजीत। नहीं सर, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मैं भी चलूंगा आपके साथ, आप अकेले नहीं जाएंगे सर। सर, दया सर का मेरा मतलब है नकली दया के फोन का पता लग गया है। ग्रेट, कहां पे है? सर उसी डांस बार में जहां पे वो संगीता काम करती थी। ये आदमी आया था यहाँ पे? ये तो वही आदमी है साहब जो कल आपके साथ आया था। हाँ ये वही है, ये आया था दोबारा यहाँ पर। अब आया था और काफी देर तक दीपा के साथ बातें भी कर रहा था। दीपा? वो रही। दीपा जी, तो प्लीज हम आपसे बात करना चाहते हैं। जी कहिए। आइए जरा, जरा ये देखो, ये आदमी मिला था तुमसे आज? हाँ। क्या बात होगी आप दोनों के बीच में? वो मुझे रॉकी और संगीता के बारे में कुछ पूछ रहे थे। संगीता और रॉकी? ये रॉकी कौन? संगीता का बॉयफ्रेंड। आपने क्या बताया उसको रॉकी के बारे में? मुझे ज्यादा तो कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि संगीता मनोहर ट्रक कंपनी में रॉकी से मिलने जाया करती थी। मनोहर ट्रक कंपनी? इस आदमी को देखा यहाँ पे? ध्यान से देखो। हाँ साहब, साहब ये आए हैं यहाँ पे। रॉकी साहब के दोस्त बता रहे हैं। ये कहाँ है वो? साहब ये अंदर गए। अंदर? बस तो गए तो यहीं पर कहीं छुपा होगा। ढूंढ रहे हैं आप। थैंक यू। देखो।
समझा रहा हूं मैं तुझे, आखिरी बार मैं पूछ रहा हूं, बता दे किसने किसने मारा संगीता को? हाँ क्यों, प्यार हो गया था तेरे को उससे, लव हो गया था, वो हमारे लिए खतरा बन गई थी, उसे तो मारना जरूरी हो गया था। क्या संगीता को तुमने मारा? तूने मारा? हाँ तूने मारा उसे? सच कहते हैं लोग, हर फसाद की जड़ लड़की होती है, उसके चक्कर पे तूने मेरे पे हाथ उठाया ना, उसके चक्कर पे उठाया ना, अब देखता हूं तू यहां से जिंदा बचकर कैसे जाएगा। क्या कर लेगा तू, हाँ क्या कर लेगा? अबे भाग! ये सीआईडी वाले तुझे छोड़ेंगे क्या? भाग 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 अंदर जा, रुक ना ले, भाग और ट्रक पे चढ़, ए रुक रुक, उतर नीचे उतर, चढ़ जा अंदर चढ़, हट जा। क्या हुआ अभिजीत? सर दया उस ट्रक में चला गया। माय गॉड, क्या धांसू गाड़ी चलाता है भाई, तू भी पक्का सियाणा है, आज सीआईडी वालों की भी तूने हवा निकाल दी। चुप, पीछे पड़ गए, कुछ करना बाप। निकल गया हाथ से सर। कोई बात नहीं अभिजीत, कल 15 अगस्त है, इनका जो भी प्लान है खुद ब खुद सामने आ जाएगा। करती हूं हमारे चीफ गेस्ट को कि वो यहां पर आए और सीआईडी के जाबाज ऑफिसर एसीपी प्रद्युमन को आज आजादी के शुभ अवसर पर ट्रॉफी देकर सम्मानित करें। एसीपी सर प्लीज देश की जनता के लिए दो शब्द कहें। आज हमारे देश की आजादी का, हमारी आजादी का शुभ दिन है। इस अवसर पर हम सीआईडी वाले कसम लेते हैं कि हमारे देश की धरती से हम जुल्म का नामो निशान मिटा देंगे। और इस काम में मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत ने भी कंधे से कंधा मिलाकर सालों तक मेरा साथ दिया है। और इस ट्रॉफी का इंस्पेक्टर अभिजीत भी उतना ही हकदार है जितना मैं चाहता हूं कि इंस्पेक्टर अभिजीत स्टेज पर आ जाए। गन नीचे करो वरना गोली मार दूंगा मैं। गोली तो तू वैसे भी चलाने वाला था, क्यों? गन नीचे कर दो, चुपचाप। विवेक क्या कर रहा है, जानता है तू किसे गन दिखा रहा है? हम सब जानते हैं रॉकी, सच सच बता, दया को कहां छुपा के रखा है तुमने? फ्रेडी, रॉकी मैं नहीं, ये आदमी है, ये रॉकी है, जाना माना गुंडा जो अभिजीत के भेस में सीआईडी में घुस गया है। बस
बंद करो तुम्हारा ये ड्रामा, तुम्हारी असलियत तो सामने आ चुकी है मिस्टर रॉकी। सर आपको अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है? सर वहां देखिए सर। तोड़ा दूंगा। मानना पड़ेगा सीआईडी वालों को है, आके ढूंढ ही निकाला तूने इसे। तुझे तो उसी दिन मार देना चाहिए था, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं भले मर जाऊं लेकिन तुम सीआईडी वालों को बर्बाद करके मानोगे। नहीं नहीं नहीं, ये गलती मत करना है, नहीं तो मैं तुम्हारे प्यारे एसीपी साहब को उड़ा दूंगा। ट्रॉफी के साथ साथ गोलियां भी मिलेंगी है? और तू तू तो कुत्ते की दुम से भी ज्यादा पिघला निकला। आज आजादी का दिन है ना है? है? आज के दिन मैं तेरे एसीपी को इस दुनिया से आजाद करता हूं। बाय बाय एसीपी साहब। डोंट वरी दया, हम लोग हैं, तुम पहुंच जाओगे, डोंट वरी। अरे क्या हो रहा है, चलाओ जल्दी चलाओ। Please, आइए, चलो।
देखिए डॉक्टर साहब, दया को कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। ये जो तुम मुझे अभिजीत के बारे में इतना सब बता रहे हो, इसके पीछे कोई और कारण तो नहीं? सर आप ये क्या कह रहे हैं सर? आप मुझे बचाने के लिए आता ना, ना उसकी जान खतरे में पड़ती। ऐसा मत बोलना सर, दया सर को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। दरवाजा खुलेगा तो पता चल जाएगा यार, उसकी हालत बहुत नाजुक है, ऑपरेशन चल रहा है। दया कैसा? हाउ इज ही? अरे आप इसे मुंह लटका के क्यों खड़े हैं? देखिए सर, आई एम सॉरी, हमने बहुत कोशिश की मगर मगर क्या? मगर क्या डॉक्टर, मगर क्या? देखिए आपने उन्हें यहां लाने में बहुत देर कर दी, इतना खून बह चुका है, अब वो बच नहीं सकते। नहीं सकते? क्या बात कर रहे हो? दया, दया नहीं बच सकता, दया नहीं बच सकता। आप कैसे डॉक्टर हैं? क्या कर रहे हैं आप? कैसे डॉक्टर हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, आप झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर। दया ने कहा है हम लोग को डराने के लिए। हम लोग डर के, ये देखिए मेरे हाथ कांप रहे हैं, एक सीआईडी ऑफिसर के हाथ कांप रहे हैं। प्लीज इन्हें संभालिए। अरे क्या संभालिए, इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं आप? कोरोना जाके कुछ दवा। देखिए हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है, आप प्लीज उन्हें जाकर मिल लीजिए, इसके पहले कि देर हो जाए, उनके पास वक्त बहुत कम है, प्लीज। सर आप कुछ कर सकते हैं ना डॉक्टर, आप करिए ना प्लीज। सर के साथ आप दया को बचा लीजिए प्लीज, प्लीज। मैं वादा करता हूँ मैं आपका कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगा। आप चलिए ना प्लीज। आप चलिए। अरे यार फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।